हाय हेलो स्टूडेंट्स, देखें जरा कौन कौन आ गया है। हेलो, इट इज अंशु। हाय अरविंद, हेलो। सो कैसे हैं सभी? एट अ मिनट, लेट मी सेट माय फोन। ओके, कैसे हो भाई सभी, जल्दी से बता दो। हाँ जी, हाउ आर यू ऑल? बाकी कहाँ रह गए हैं भाई? हाय मैम, हाउ आई एम? नहीं नहीं हो तो रही है क्लास, हो रही है हो रही है। आई एम गुड। ओके, है बेटा है, किसने कहा नहीं है? आपको मैसेजेस जो है ना वो थोड़ी सी लेट मिल रहे हैं, आपको पता है कि थोड़ा सा स्ट्रीमिंग की वजह से इशू होता है। ठीक है, फाइन, ओके। अनु, ये रोने वाले सिंबल्स क्यों बनाए हैं? हाय मैम, हाउ आर यू? क्या हो गया? हाँ जी, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। जी बताइए, सबसे पहले क्या मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू यू, विजिबल टू यू? फटाफट मुझे बता दो। जल्दी से, अरे क्लियर क्लियर आ रही है मैम आवाज। ओके, और मैं दिख रही हूँ? टेक्निकल इशू था ना, कल सॉल्व कर रही थी। यस मैम, ओके। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई? फिर जल्दी से शुरू करते हैं। वैसे 1 से 2 का टाइम है, आई थिंक इट इज अ लंच टाइम, बट मैंने सिर्फ आज की क्लास ली है इस टाइम पे। अदरवाइज टाइमिंग जो है वो 5 to 6 रहेगी। एंड सेकेंड थिंग, आज भी क्लास 5 to 6 होगी, आज की क्लास भी 5 to 6 होगी। ठीक है, सो आप ऐसा मत सोचेगा कि क्लास जो है वो 1 से 2 हो गई है, फिर शाम को नहीं होगी। शाम की क्लास भी होगी 5 to 6। ओके, खाना खा लिया? गुड, चलो बढ़िया है भाई। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सो 4 आर हेयर। भाई आज बच्चे इस टाइम पे लगता है काफी कम है। आ गए आ गए, आ रहे हैं धीरे धीरे, आ गए। सो सो के जाग रहे हैं। अरे आज तो नहीं, कल नहीं हुई अनु, कल नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि आपकी कोई क्लास जो है वो मिस हो गई है। ठीक है, जल्दी से बताओ, स्टार्ट करें फटाफट, या वेट करना भी किसी का आपको? चलो बच्चे आते रहेंगे, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। हाय जिया, हेलो। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वेलकम यू ऑल। मैम ईटिंग, ओ अच्छा अभी खा रहे हो, जल्दी से फिनिश करो भाई। सो वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी यूट्यूब। बिकॉज देखिए अब ऐसा है, सेकेंड नाउ इट इज, मैं स्क्रीन फुल कर दूँ ना पहले। हाँ अब ठीक है मैम। मैम सुनो, आप लाइव आती थी क्या यूट्यूब? नहीं नहीं रोज नहीं आती थी अनु, एक्चुअली कंडीशंस ऐसी चल रही हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि बीच में कुछ दिन ऐसा हुआ था कि मेरी क्लासेस होनी थी, ठीक है, बट वो नहीं हो पाई, राइट। बट नाउ आई एम हेयर। ओके, और कंटिन्यू सेशन रहेगा मेरा, ओके, इस मंथ एंड तक। सो बी कंटिन्यू, आपको रेगुलरली क्लासेस लेनी है। टाइमिंग 5 to 6 रहेगी, सिर्फ आज ऐसा है कि टाइमिंग 1 to 2 रही है। ओके ठीक है, हेलो अरविंद, एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अबाउट योर एग्जाम्स, अबाउट योर टॉपिक। ठीक है, सो ये योर फाइनल एग्जाम विद अन अकेडमी प्लस। अन अकेडमी प्लस के साथ आप अपना फाइनल एग्जाम्स जो है वो इजीली एस कर सकते हैं, राइट। आपको मिल रहा है 10% ऑफ ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन फ्लैट। ओके,
यस मैम, इसलिए मेरे को लगा आई मिस्ड योर क्लास. ओह नो नो यू डिडंट. ठीक है, अब हम रेगुलरली लेंगे. यस यस जिया, टुडे इज मेंटीज आल्सो हियर. और जो 5 से 6 है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना सभी, 5 to 6 की क्लास में मेंटी क्विज होगा ओनली. अभी मेंटी भी है, क्लास भी है, लेकिन 5 to 6 की क्लास में ओनली मेंटी रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज. ठीक है, वो क्लास मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी. सो वेलकम यू ऑल. डियर लर्नर्स, आई एम योर एजुकेटर भारती कौशिक. हियर इज सम क्वालिफिकेशन अबाउट मी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लस. बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड इन इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स और पीडीएफ मिलता है ना, तो बच्चे आपको एक पाथ मिल जाता है हाउ टू अचीव. ठीक है, फिर आता है आइकॉनिक. टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद द पर्सनल मेंटर. ये देख रहे हैं आप, पर्सनल मेंटरिंग मिल रही है यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर के साथ, और ये सारी चीजें जो यहाँ मिल रही है वो तो मिल ही रही है, साथ में पर्सनल मेंटरिंग. आप समझ रहे हैं, जब सिर्फ आपको गाइड किया जाता है, यू आर द ओनली वन, तो अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा होती है. ठीक है, नाउ हियर वी आर विद द सिलेक्ट आइकॉनिक और प्लस. आपको इनमें से कोई एक चीज अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, सिलेक्ट करनी है. यू कैन यूज माई कोड, हियर इज माई कोड स्टूडेंट्स भारती लाइव. ठीक है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की. मुझे जल्दी से बता दो कि प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हो, बिकॉज क्लास 9th के अंदर आप लोग ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हुए हो. व्हाट आई मीन बाय प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा तो पता ही होगा, जल्दी से बता दो, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लेके चलेंगे. जल्दी जल्दी जल्दी. फटाफट से जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होता है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से क्या समझते हो, बस सॉल्व करना आता है? नहीं नहीं, देखो बेटा, कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं ना, तो उसके नाम का एक मतलब होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है जिससे हम समझते हैं. ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है. हाय, इट इज अंकिता कुमारी मीना. हाय, हेलो. ठीक है, तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए. हाँ जी, मेंटी है अमन, लास्ट में है. ठीक है, ओके. सो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, कि किसी भी काम के होने के कितने चांसेस हैं. आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि या तो वो काम होगा या फिर वो काम नहीं होगा, और अगर वो होगा तो उसके होने के कितने चांसेस हैं, अगर नहीं होगा तो ना होने के कितने चांसेस हैं. ठीक है, या तो काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है, या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. ठीक है ना, या फिर उसके काम के होने के बीच में चांसेस कितने हैं, हम उसे क्या कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी. ये बेसिक टर्म है, हमारी लैंग्वेज है जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को, राइट. अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसको डिनोट कैसे करते हैं. देखो, कोई भी काम जब किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इवेंट. क्या कहा जाता है बेटा, इवेंट. मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेनिंग की बात करूं, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी का बेनिफिट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट तो हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसका यूज क्या है, आप देख रहे हैं. चलो लेटेस्ट एग्जाम्पल बता दो मुझे प्रोबेबिलिटी का. लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आजकल लेटेस्ट एग्जाम्पल चल रहा है, वो मुझे बता दो कि क्या है. जल्दी से अपनी लाइफ से रिलेट करो जरा प्रोबेबिलिटी, और इसका बेनिफिट क्या होता है, व्हाई वी आर डूइंग प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है. सब कहते हैं ना, मैथ्स का यूज नहीं पता, पता नहीं ये मैथ्स जो है ये कहाँ से आया है. ठीक है, तो मैथ्स के हर चैप्टर का बेसिक लाइफ में क्या, मतलब बेसिक टर्म्स में क्या यूज होता है वो हमें पता होना चाहिए. अदरवाइज बेटा कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन जो है वो बाकी लोगों को भी आती है, राइट. फटाफट से एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जल्दी से बता दो, कोई एग्जांपल दो आजकल जो लेटेस्ट हो. सोचो थोड़ा सा, तो सोचो. कोविड पॉजिटिव एंड कोविडेड, वेरी गुड बेटा. इस वक्त जो हमारे आसपास जो लेटेस्ट चीज है ना, वो क्या चल रही है, कोविड. ठीक है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा टॉपिक फिलहाल किसी के पास कोई भी नहीं है, am I right? ठीक है, तो ये जो कोविड है, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम देखो एस्टिमेट लगाते हैं. एस्टिमेट इन द सेंस, जैसे अब आपको बोला जा रहा है ना कि हो सकता है कि इसकी जो ये वाली लहर अब तक एंड हो जाए, जो इसकी थर्ड मतलब स्टेज आने वाली है, ठीक है, वो डेंजरस है. हो सकता है इस मंथ के अंदर इतने पेशेंट आए, ठीक है,
इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे जो डेड है वो इतने हो जाए, जो अलाइव है वो इतने हो जाए, तो ये सब क्या है, ये एक एस्टिमेशन। हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन जो है, थैंक्स यश, एस्टिमेशन जो है वो हम निकालते हैं, ठीक है। ये जो एस्टिमेशन है इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, वी आर बीइंग अटेंटिव। अब देखो, अब एक बात समझो जरा, अगर हमें पता होगा कि पॉपुलेशन इतनी है, डेड इतने हैं, अलाइव इतने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, वैक्सीनेशन की कितनी प्रोडक्शन हमारे पास होनी चाहिए, कितनी हमें इम्पोर्ट करनी चाहिए, कितनी हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, डाटा पे, ठीक है। और ये जो डाटा है ये कहाँ से मिलता है हमें, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी। ये दो चैप्टर आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है ये आपस में, यश आई एम टीचिंग प्रोबेबिलिटी, मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैथ्स, ठीक है, या ऑब्वियसली जी, अब मैं स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अब देखो, एक सिंपल सा मैथ्स का टॉपिक पूरे देश के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो इस बात को, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी से ही चीजों का बेनिफिट होता है। अभी तो मैंने कोविड का एग्जाम्पल लिया जो लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, राइट, ये जो है हमारे पास क्या चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है, राइट। मे बी ही इज जी, किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैथ्स, दिमाग गरम ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर क्या, ट्रिग्नो है हमारे पास, ठीक है, एलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के आपकी 11 मार्क्स की आती है, ठीक है अर्चना, ये एक ही क्लास में, दो क्लास में हम खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है, ये एक दो क्लास में हम खत्म कर देंगे, ओके। So, अब देखो जरा, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका हमारे पास बेनिफिट क्या होता है और कहाँ कहाँ है कोविड के अलावा, कोविड के अलावा देखो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सीजन जून जुलाई अगस्त की बात हम करते हैं, जब जुलाई की बात करते हैं उसने, अरे इस टाइम थोड़ा बारिश का मौसम है, जो मतलब जिसको डाटा नहीं भी पता है उसने क्या किया, उसने प्रोबेबिलिटी, उसने चांसेस देखे, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्टॉर्म आया हुआ है, ठीक है, काफी जगह, तो हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी एस्टिमेट लगाते हैं, अरे आज मौसम ऐसा है तो हो सकता है कि कल जो है कंडीशन ऐसी रही, ठीक है ना, कंडीशन ऐसी रहे, ठीक है। अनु इतनी ईजी है तो चलो फिर मैं भी किसी दिन क्वेश्चन दूंगी, जरा मुझे भी सॉल्व करके दिखाइएगा, ओके, राइट। वैसे इजी है, मैं ये मना नहीं करूंगी कि नहीं है यार, इट इज क्वाइट इजी, ठीक है, सारे चैप्टर इजी, आप सब कर लोगे, यू आर वेरी टैलेंटेड। तो चांसेस देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब बात क्या है, अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे ली जाती है, पी से हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिनोट, ठीक है, ई हमारा क्या होता है, इवेंट। अब थोड़ा कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव टर्म पे आते हैं, ठीक है ना, हाँ असम या इजी, हाँ हाँ मैंने कब मना किया है, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, ई हमारा क्या होता है, इवेंट होता है, ठीक है, और प्रॉपरली से डिनोट किया जाता है पी ऑफ, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, नाइन्थ में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हाय सुपरस्टार सिमी हेलो, ठीक है, आउटकम्स, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया पी ऑफ ई के बारे में। बेटा जब इस P of E की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ऑब्वियसली वो हमारे पास हो ही नहीं सकता, उसे हम क्या कह देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू वन है तो हम उसे बोलते हैं श्योर इवेंट, उसे हम क्या कहते हैं श्योर इवेंट। इनके बीच में अगर लाई कर दिया तो उसे हम क्या बोल देते हैं पॉसिबल इवेंट, उसे हम क्या कह देते हैं पॉसिबल इवेंट। यहाँ पर सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, बिल्कुल जल्दी फटाफट, यस वाई और एन लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा, वाई और एन लिख दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है फटाफट से, यस 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 यस, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो बेटा या तो काम होगा या नहीं होगा, मैंने आपको बोला है श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट का मीनिंग क्या है कि वो काम होगा ही होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो रहेगी वन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी हम क्या लेके चलते हैं वन, मैक्सिमम वैल्यू
पी ऑफ ई की हमारे पास क्या होती है, वन। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी चीज कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट, ठीक है, तो इसलिए हम उसकी जर्नल अजम्पशन जो है, उसकी जो जर्नल अजम्पशन है वो क्या करते हैं, वन से करते हैं। ठीक है, ही हैड अ फन जोन। ठीक है, या व्हाई इज यस एंड एन इज नो अनु। ठीक है, सो कंप्लीट, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू वन। तो P of E की वैल्यू जब भी 1 होगी तो वो श्योर इवेंट होगा, और ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू की। जब भी P of E की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। वो क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब वो इवेंट जो है वो हमारे पास कैसा है, आपका इम्पॉसिबल इवेंट। वो कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर, इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग क्या है, कि वो काम हो ही नहीं सकता, वो काम आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है ना, बस ऐसे ही आ गए। चलो, मैम से मिले हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए आई मिस माई 10th क्लास। चलिए, इम्पॉसिबल इवेंट, पी ऑफ इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज जो है वो लाई करती है कहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल्स टू 1। हाँ, जब भी वैल्यू 0 होगी ना, तो बेटा वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, यानी वो नहीं हो सकता। ठीक है, जब इनके बीच में लाइक करेगी तो वो हमारे पास होता है पॉसिबल, यानी कि वो हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, जब 0 है तो, जब वैल्यू 0 तो काम नहीं हो रहा ना, काम नहीं हो रहा नू, ठीक है, इम्पॉसिबल। और ये क्या है हमारे पास, श्योर। ठीक है, तो ये बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब जो प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, इसमें सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, वो क्वेश्चन हमारे पास होता है कार्ड्स भी। अच्छा, कार्ड्स देखे हैं सबने, कार्ड्स देखे हैं कि नहीं, जल्दी से बता दो, फटाफट बताओ। कार्ड्स, जो कार्ड्स प्लेइंग होते हैं हमारे पास, जिसमें जैक, हेतान, सुपरस्टार, हाँ, वन हुआ तो श्योर। और ये हमारी मैक्सिमम, ये हमारी मिनिमम वैल्यू। क्लियर, देखिए ना कार्ड्स। अच्छा चलो, ठीक है, अब बात करते हैं कार्ड्स की। इसके ऊपर हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, और अब ये मत सोचना कि पिछले साल बोर्ड नहीं हुआ तो इस साल भी नहीं होंगे। ठीक है, हम मानती हूँ कि सिचुएशन का नहीं पता है, लेकिन बेटा एग्जाम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा अरविंद, चलो फिर तो कोई क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे, बाय द वे इट इज अ बैड हैबिट। यस, अब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ध्यान से चलिए काम करते हैं जरा। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, जल्दी बता दो, 52। हेलो अनिकेत, हाय। ठीक है, ये क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, सूट्स क्या होते हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए, ये सूट्स आपके पास क्या होते हैं बेटा। देखो, एक तो होता है हमारे पास ये वाला सिंबल, ठीक है, एक होता है आपके पास ये वाला सिंबल। वाओ, आई एम गुड एट ड्रॉइंग। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। एक होता है आपके पास ये हर्ट वाला सिंबल। मैम, मैम, तनु, ओके 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 तनु, ठीक है, जल्दी से बताओ चौथा कौन सा होता है, कौन, अनु, रियली, फिर तो जल्दी बताओ चौथा कौन सा होता है। और सूट्स हमारे पास होते हैं बेटा 4, कितने होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास, एक ये वाला है, ये हमारे पास फिल्ड होता है ऐसे। ठीक है, एक आपके पास ये होता है, कार्ड्स में बता रही हूँ मैं अभी आपको ये। ठीक है, उसके बाद आपके हाइलाइटेड कार्ड्स भी मैं पूछने वाली हूँ, कुछ ऐसा होता है ये, ऐसा इस शेप का, राइट। ठीक है, और बताओ, एक हर्ट होता है, कौन से वाला है वो भी पूछूंगी, टेंशन मत लो। चारों बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, इनके नाम बता दो फटाफट, नाम बताओ फटाफट। अच्छा, एक ही बताया ना, सिंबल, सिंबल, सिंबल क्या होता है, एक मिनट, आपके कमेंट रुको रुको रुको, ये मेरे पास हैंग हो गया है या, एक सेकंड बेटा, आपके कमेंट क्यों नहीं विजिबल हो रहे।
जल्दी से। ठीक है, और एक होता है आपके पास कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ ऐसे होता है। बेटा मैंने आपको बोला था नाम, नाम बताओ आप जल्दी इनके, स्पेड या गुड और हार्ट। ठीक है, और बोलो जल्दी से बताओ फटाफट। पास जो पहला है, इट इज योर स्पेड, डायमंड, ठीक है ना, हार्ट, क्लब। ठीक है, तो आपके पास ये सिंबल होते हैं, ये वाला आपका क्लब होता है, ध्यान रखना, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये आपका क्लब होता है। ठीक है, इसके आपके पास कितने कितने सिंबल होते हैं, नेम नहीं पता, बस खेलने आते हैं। जैक क्वीन भी होती है बेटा, जैक क्वीन भी होती है, वो कौन मना कर रहा है। अभी मैं सूट्स की बात कर रही हूँ ना, सूट्स की, या लीफ कह लो, क्लब कह लो, लीफ कह लो। ठीक है, तो अब ये देखिए आपके पास टोटल कितने होते हैं, 52। अब बताइए जल्दी, सूट्स हमारे पास कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब इसे आप किस में डिवाइड करेंगे बेटा, 13 13, 13 13 13 13, टोटल हो गए कितने, 52। टोटल कितने हो गए, 52। क्लियर है कि नहीं? और ये होते कौन से हैं हमारे पास, स्पेड, क्लब, डायमंड, हल। ठीक है, या 13 13 के होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास चारों। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, आपके किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, ये हमारे कितने होते हैं बेटा, ये आपके 4 4 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल ये 12 होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये किंग है ना, ये एक एक कार्ड सब में होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, ये जो क्वीन है, ये इसमें 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 और इसमें, और स्पेड भी इसमें 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 और इसमें, ये अलग से नहीं है। ये जो 1 1 1 है, ये 13 के अंदर काउंट है। ठीक है, अब किंग, ये जो किंग है ना, इसके ऊपर किंग की फोटो बनी होती है, पता है ना, इस पे क्या होती है, फोटो होती है, ये तो देखी होगी सबने। और जो क्वीन है, इसमें भी क्या होती है, फोटो होती है, एस, एस भी होता है, हाँ मुझे पता है, वो भी चारों में तो होते हैं, हर एक कार्ड फोर चारों में होता है बेटा, जैक। ठीक है, इसमें भी फोटो बनी होती है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, हम इन्हें क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करो। इसे हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है, ठीक है, हाँ चेहरा कार्ड्स कह लो। ठीक है, उसके बाद ये बताओ मुझे, जो आपने ये कार्ड्स देखे हैं, इन कार्ड्स में कितने कलर होते हैं, कौन कौन से कलर के कार्ड देखे हैं, कौन कौन से कलर के कार्ड्स आपने देखे हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई। जल्दी बताओ, सॉरी, ऑनर कार्ड, इसमें जो काउंट नहीं करते हम, रेड एंड ब्लैक। ऑब्वियसली क्या होता है, रेड एंड ब्लैक। अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसके अंदर 26 कार्ड्स मेरे कैसे होंगे, रेड, हाफ हाफ होंगे ना, और 26 हमारे पास कैसे होंगे, ब्लैक। ये बात क्लियर है, अगर इसके अंदर से मेरे 12 कार्ड जो हैं वो कैसे हैं, फेस कार्ड्स, वो कैसे हैं, फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें से 6 मेरे रेड फेस कार्ड, ठीक है,
और 6 मेरे ब्लैक फेस का है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये मैंने पूरे कार्ड्स क्या आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मुझे बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन बोल रही हूं मैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इफ अ कार्ड टेकन रैंडमली और पिक आउट रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने सुना है 11th में प्रोबेबिलिटी, हाँ फनजोन बच्चे 11th 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है 9th 10th के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी कोमल वगैरह है वो करने हैं कंटिन्यू। ठीक है तो वेल शफल्ड है, ठीक है। व्हाट इज द प्रायोरिटी कार्ड टेकन आउट रैंडम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। इफ दैट कार्ड इज अ स्पेड, चलो मैं ऑप्शन लिख रही हूं यहां पे, नहीं यहां नहीं है, कर दूंगी अमन कर दूंगी, रुक जाओ वेट करो। यस गुड, फंड्स उनको तो याद ही है सारी। हां जी क्या होगा आंसर जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में सारे, मुझे एबीसीडी में से। कार्ड जो है वो स्पेड है, या फंड्स नहीं अमन, यस गुड अनु, हर्ष करेक्ट, पहले ठीक था ना फंजोन, क्या कर रहे हो जानबूझ के, मत कंफ्यूज करो बच्चे को। नहीं बेटा सी नहीं होगा, उसने बोला एक ही कार्ड निकाला है, पहली बात तो ये देखो। बट इफ अ कार्ड, ठीक है, इज टेकन रैंडमली फ्रॉम दिस, दैट कार्ड इज, वो कार्ड स्पेड है और वो टोटल 52 में से निकाला है ना, तो टोटल 52 में से तो वो 1 ही बना, इट इज 1/52। या गुड भूप सिंह, अनु शर्मा, वेरी गुड, इट इज 1/52। ठीक है अब जो कार्ड बाहर निकालना है, मैं सीधा लिख रही हूँ, कार्ड टेकन आउट इज अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब वो रेड फेस कार्ड है, तो रेड फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, आंसर ही बताना है आपको सीधा, फ्रॉम टोटल फेस कार्ड्स, और सारे के सारे फेस कार्ड्स में से उसको निकाला गया है। 52 वेल शफल्ड नहीं है अमन, नहीं एक निकाला है ना फनजोन, एक निकाला है, और 52 में से मैंने स्पेसिफिक लिखा था, अगर मैं ये बोलती हूँ 13, फिर वो तो वो जो 13 है, सुनो मेरी बात, वो जो 13 है वो डिफरेंट जोन में भी हो सकते हैं। हाँ मैंने रीचेक करके, मैंने बुक में से ही दिया है, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें भी करवाया था, स्टेटमेंट कंफ्यूजन होगी होगी, क्योंकि जब हम 13/52 लिखते हैं ना, सॉरी 13/52 लिखते हैं ना, उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट का फर्क होता है, अ कार्ड का, आप समझ रहे हो, ए कार्ड का, बेटा फेस कार्ड से, यस अमन। अब क्या है, टोटल फेस कार्ड में से ये बताओ फनजोन, टोटल फेस कार्ड से रेड फेस कार्ड निकाले गए हैं, क्या हुआ जिया, यस गुड, रेड फेस कार्ड 6, और टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं जल्दी से बता दो, टोटल फेस कार्ड, यस गुड हर्ष, गुड अमन, गुड जिया,
ये ऑलमोस्ट सबको ही आता था क्या? 12, नाइस। अच्छा एक और चीज बताओ, एक डाई को मैंने थ्रो किया, अभी तो देखो जल्दी, डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी निकालो, मैं शॉर्टकट पे लिख रही हूँ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ऑड, नंबर ऑड है, फटाफट से आंसर बता दो। सॉरी क्या लिखा फंजन मैम, अगर टू रेड बॉल्स हैं तो टोटल फोर बॉल में से तो रेड बॉल्स की उल्टी टू, हाँ होगी, टू होगी। हाँ अच्छा आप इस चीज को कार्ड से कनेक्ट कर रहे हो, बेटा मैंने एक ही निकाला है उसमें से, आप समझ नहीं रहे हो ना। 13/52, देखो मेरी बात सुनो, इफ आई एम सेइंग स्पेड, रुको एक मिनट, पिछला क्वेश्चन, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने आपको क्या बोला था क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला था ना कि एक स्पेड को मैंने निकाला है, वेल शफल डेक ऑफ अ 52 कार्ड्स। हाँ ठीक है, 13/52, ठीक है ठीक है ठीक है, 3/6, 2/, ठीक है फन जोन, 3/6, वेरी गुड। अगर इसको दो बार थ्रो करूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ कितने होंगे? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ कितने होंगे? फटाफट, गुड अनु, गुड सर्वाइव गेमिंग, क्योंकि ऑड नंबर हमारे पास कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते ना, तो ऑड नंबर्स के लिए 1, 2, 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6, आंसर होगा 1/2। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 29 कैसे हो जाएंगे सर्वाइव गेमिंग, 35 कैसे होंगे अमन? हाँ ऑड का पूछा था मैंने फन जोन, यस अनु गुड, फन जोन 6 कैसे होंगे बच्चे, मैंने दो बार उसको फेंका है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 35 कैसे होंगे सर्वाइव अमन? ठीक है ओके अरविंद, या 36, गुड, ऑलमोस्ट जिनका सही है उनका आंसर क्या है, 36, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, सीबीएसई क्लास 9th के लिए टारगेट टैगोर बैच, ठीक है, इंग्लिश हिंदी ये हमारे पास चल रहा है, राइट, एंड कंप्यूटर साइंस, वृद्धि, भावना शर्मा, कृतिका सिंगला एंड भावना मैम जो है आपकी क्लासेस लेंगी, इसके ऊपर सब्सक्राइब फॉर 9th एंड गेट 10th 11th 12th सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, ओके। 9th 10th 11th सब्सक्रिप्शन आप देखिए यहाँ पे प्लस आइकॉनिक, 10th 11th 12th की प्लस और यहाँ पे आइकॉनिक, यू कैन यूज माय कोड एंड हियर आर द चार्जेस स्टूडेंट 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, यहाँ देखिए यहाँ पे भी मेंशन है, आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं मैंने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे हैं ना मैम, आपने कहीं पे ये नहीं कहा सम ऑड होना चाहिए, बेटा ऑड वाला क्वेश्चन दूसरा था पिछला, मैंने उसका सॉल्यूशन दिया था फन जोन, कंफ्यूज मत हो, जो मैंने यहाँ लिखा है ये ऑड, ये पिछले का सॉल्यूशन था, पिछले मैंने पूछा था ना कि आउटकम्स आपके ऑड होने चाहिए, ये वो चीज है, यहाँ मैंने पूछा दो बार फेंका है मैंने उसको, ठीक है ना, तो एक साथ जब मैं उसको दो बार या फिर ये कह लो चलो ठीक है टुगेदर, ठीक है, इससे कंफ्यूजन हो रही है आपको, ठीक है, एक साथ है एक साथ, राइट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके पास यू कैन यूज माय कोड बाय दिस, ठीक है, आप इसमें मेरा कोड यूज कर सकते हैं भारती लाइव, ओके। इंट्रोड्यूसिंग द इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट एन अकेडमी कॉम्बैट, 1 करोड़ एवरी संडे विद द स्कॉलरशिप, ये बताओ मैम, दिस इज माई एंशियंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फ्रॉम मैथ्स, या आई नो फंजोन थोड़ा तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, ये दे रहे हो सभी अन अकेडमी कॉम्बैक्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पहले मुझे ये बता दो, यू कैन यूज माई कोड हेयर, ठीक है, आपको क्या करना है,
जैसे कल आपका अनअकैडमी कॉम्पैक्ट होगा, आपको जाना है ऐप पे, इस कोड को फिल करना है और अनअकैडमी कॉम्पैक्ट में पार्टिसिपेट करना है। बच्चे इससे पता क्या होगा, इससे ना आपकी जो आंसर देने की मतलब कैपेसिटी है ना, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, करना क्या, फ्री रजिस्ट्रेशन है, 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन टॉप 3 को मिल रही है, तो और क्या चाहिए, अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट 23rd of May, 10th 11 AM, 9th का 12 PM। ठीक है, तो यू कैन यूज माई कोड एंड इनरोल नाउ। ओके ओके ओके, ठीक है, 10% ऑफ आपको मिल रहा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। आप जल्दी से मेंटी पर आ जाओ, 29095425। ठीक है, मेंटी को इस पर ज्वाइन करो जल्दी से, उसमें कुछ क्वेश्चन है प्रोबैब के। ठीक है, बिकॉज बच्चे सारे क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं। मेंटी क्विज ज्वाइन करो जल्दी से, हेयर इज योर कोड। हाँ हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, आप ज्वाइन कर लो। कुछ इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी की, और आज शाम को क्लास है, 5 से 6 की क्लास है, और उस क्लास में सिर्फ मेंटी होगा, क्योंकि कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुकी हूँ। डाई थ्रू का क्वेश्चन आप ऑलरेडी 9th में करके आए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की बता चुकी हूँ, तो एक शॉट में प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से खत्म हो जाती है। हाँ जी, कर लिया ज्वाइन, मुझे बता देना, ठीक है ना, मुझे बता देना। ओके, यहाँ पे अभी एक ही बच्चे ने ज्वाइन किया, बाकी कहाँ हैं, जल्दी ज्वाइन करो, कोड विजिबल हो रहा है, 29095425। अच्छा, ज्वाइन हो रहे हैं अभी, ठीक है ज्वाइन हो जाओ। इसमें भी 7-8 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, देखते हैं भाई। अमन कहाँ गया, अमन इतनी देर से बोल रहा था मैम कब मेंटिंग शुरू होगा, अब कहाँ है भाई। जल्दी बेटा, 7-8 क्वेश्चन है, मैं जल्दी फिनिश करने हैं। क्या हुआ, ज्वाइन नहीं हो रहा क्या, अच्छा आ रहे अभी, इतनी धीरे, मतलब आई डोंट नो क्या कर रहे हो। मैं टेलीग्राम में मैसेज डालती हूँ, टेलीग्राम पे हो ना आप लोग, 29095425। ओके, अब मैंने देख लीजिए टेलीग्राम में मैसेज डाल दिया, उसके थ्रू ज्वाइन हो जाइए फटाफट। फिर मैं इसे स्टार्ट कर दूंगी, चलिए ठीक है। या इट इज 290, हाय आई एम दैट रोज, ओके कोमल, हाँ जी, अमन ज्वाइन कर लिया, आयुष ने ज्वाइन कर लिया, हाय युवराज ज्वाइन कर लिया बेटा आपने, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूं इसे, कर दूं जल्दी बताओ, फिर आप लोग कहो मैम वेट वेट, स्टार्ट इट,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी हैं हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आंसर करना बिल्कुल फटाफट। हाय अब्दुल्ला, हाय, हेलो बेटा, जल्दी से मेंटी ज्वाइन करो फटाफट। बेटे 10th की चल रही है। हाय हाय हेलो, मेंटी कोड ज्वाइन कर, मेंटी क्विज ज्वाइन करो। ऊपर देखो लिखा हुआ है इट इज 290954 25। अभी देख लेते हैं। ओके, सो इम्पॉसिबल विंड, ये दो किस किसने गलत कर दिया भाई, किस किसने गलत किया इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया तो था वो होगा ही नहीं, ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। ओके, वैसे मैथ चल रहा है आयुष बच्चे, प्रोबैब चल रहा है एंड गुड वन, नाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे आ जाओ फटाफट से आंसर करो। ठीक है, चलो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना? हाय युवराज, हेलो। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती? या बिकॉज उसके आगे नेगेटिव लग गया है। बेटा ये आंसर किसने गलत दिया है? 2/3 और 15%। आपको 15, चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार बता दूंगी, ठीक है ना? देखिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए मेंटी क्विज, ठीक है युवराज? जब आप मेंटी क्विज रखेंगे तो वो आपसे कोड पूछेगा। ऊपर देखिए कोड लिखा हुआ है 2909 5425। ये कोड आपको डालना है और ज्वाइन करना है, ठीक है? भाई ये दो बच्चों ने किसने गलत कर दिया, चलो मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है अनु, नेट प्रॉब्लम था, कोई ना। अमन इज फास्टेस्ट, फिर है कोमल फ्रॉम वेदांत, ओम उज्जवल, फिर है किटोरा खान फ्रॉम पाकिस्तान, थनवी आमलोन एंड आयुषी। चलिए नेक्स्ट, आयुषी बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी भी मैंने आपको बताया था पेयर में जब आप उसे थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? और अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, ओके, टू गेट द अमेजिंग क्लासेस फ्रॉम द इंडिया टॉप एडुकेटर्स। करो कैलकुलेट, किस किस का सम जो है वो आपके पास 3 आता है। जल्दी से, चलो जल्दी। ओके, सो इट इज 3/18। कैसे आ रहा है बेटा 3/18? कैसे आ रहा है? इट इज 1/18। देखो आपके पास सम 3 किस किस का आएगा? 1 2 2 1 का, उसके अलावा तो 3 और किसी का सम आएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ही सारे 3 से बड़े हैं। तो 2 ही तो आए ना आपके पास फेवरेबल पॉसिबल, तो 2/36, 1/18 होगा आंसर। इसको भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा लगता है, ये कैसे गलत कर दिया। चलिए देखते हैं किस किसने सही किया है।
इट इज उज्जवल, तन्वी एंड कैथी. ओके एंड लेट मी सी दी चेंजेस. वो उज्जवल इज ऑन टॉप. अमन, तन्वी, कोमल इट इज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम अलोन, कैथी एंड आयुषी. आयुषी बच्चे क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं. चलिए अगला क्वेश्चन दू, रेडी हो कि नहीं, पहले कमेंट सेक्शन में फटाफट रिप्लाई करो. यस मैम. और शाम को 5 से 6 सिर्फ मेंटी है, सिर्फ मेंटी. 5 to 6 ओनली मेंटी. ठीक है, क्या हुआ अनु, ये आप हो क्या आयुषी के नाम से. ठीक है, तो वो तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, सबको आना है. 5 से 6 की मेंटी है, उसमें सबको आना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 52 कार्ड लिया गए हैं और क्वीन होनी चाहिए. कार्ड पे क्या होनी चाहिए, क्वीन. हाँ जी कोमल बेटा, इस चैप्टर में वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी. ओके let's see, I'm new here. Okay Ayush, ये कौन कौन ठीक करता है इसे. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चार बच्चों ने ठीक किया, लेकिन जिन्होंने गलत किया ये मुझे समझ नहीं आया, और जिन्होंने 4/53 किया उनका तो बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही जब 52 है तो 53 हमारा बिलो में आ ही नहीं सकता. अच्छा जी ठीक है अनु, ठीक है बेटा, वो आ ही नहीं सकता. ठीक है चलिए देखते हैं. 12 अमन, तनु एंड परी, एंड हियर इज अ चेंज. सो उज्ज्वल, अमन, तन्वी, कोमल, तनु from Pakistan, I'm alone, Pari and Ayushi. So here is your leader board students. ठीक है मैम, पहले कैथी थी फिर तनु बन गई. अच्छा अच्छा ठीक है तनु, ओके बच्चा. चलिए next. अगले क्वेश्चन के लिए रेडी, और ये रहा नेक्स्ट. दो क्वेश्चन समझाने भी है, 10 मिनट रहते हैं, जल्दी फिनिश करो. प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, मल्टीपल होना चाहिए 4 का. ध्यान से देखो 4 के मल्टीपल 1 to 15 में कौन कौन से हैं और कितने हैं. लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करो. कर दिया सबने, कैलकुलेटेड. ओ ओ ओ ओ माय गॉड, 2 2 2 2, ये क्या किए भाई. आई मीन मेरी बात सुन, 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4, 8, 12, ये 3 मल्टीपल होंगे 1 से 15 के बीच में, 3, और टोटल नंबर कितने हैं 15, 3/15 यानी 1/5, तो आंसर 1/5 रहेगा ना. ये क्या किया है, इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं हो रहे प्रोबेबिलिटी वाले, तो 5 से 6 की क्लास में क्या करोगे बेटा. देखते हैं कौन दो हैं जिन्होंने ठीक दिया है, मैं समझा दूंगी तनु, उज्जवल एंड तन्वी. ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
हाँ जी अनु, रॉन्ग हो गया बेटा, मैं समझा दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तीन कॉइन है, उन्हें थ्रो किया गया है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेंगे? समझ गया? आ गया समझ? अच्छा ठीक है ठीक है। आप खुद देखो ना, 4 के मल्टीपल, 4, 8 एंड 12, 3 2 8, टोटल 15, 3 बाय 15 कितना हो गया? 1 बाय 5। गुड, वेरी गुड। देखो आपके पास है नन ऑफ दीज, कैसे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके रहेंगे बेटा 8। क्या रहेंगे? 8। ठीक है ना, जैसे HHH, TTT, HTH, THT, TTH, ठीक है? तो ऐसे ऐसे आपके पास कितने आउटकम्स रहेंगे? 8। ओके चलिए नेक्स्ट। 6 नहीं रहेंगे कोमल, 8। देखते हैं किस किस ने सही दिया है। और उज्ज्वल, अमन, तन्वी, कोमल एंड फ्रॉम पाकिस्तान आई अलोन, तनुपरी, शकुरा एंड आयुषी। शकुरा, ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा, ये देखिए ये चीजें छोड़िए और प्लीज क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट इवेंट इज, ये भी समझाना मुझे आपको, ये टॉपिक जो है, पर मैंने पहले इसका क्वेश्चन दिया है क्योंकि इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन आपको दिमाग पर जोर डालना है कि किसी काम की होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है मिलाकर कितनी होगी। गुड, इट इज 1। बेटा 0 कैसे हो जाएगी? उसने कहा है होने की और ना होने की, 0 ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर काम हो रहा है ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? 1 होगी। इसकी स्टेटमेंट होती है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट या बार इज इक्वल्स टू 1। ओके चलिए नेक्स्ट, एक बार देख लेते हैं किस किसने सही किया है। लीडर बोर्ड क्या कहता है? ये जो लीडर बोर्ड है ना, उज्जवल और अमन, बेटा आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। ठीक है, कौन जल्दी आंसर करता है और कितना डिफरेंस आता है, और ये लास्ट क्वेश्चन वैसे है, लेट्स सी। यू इग्नोर ना, आई डोंट, मतलब आप ऐसी चीजें देखते क्यों हैं? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली, उसमें 2 से 101 तक बॉक्स है, कार्ड्स को मिक्स किया गया है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल निकालिए और देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, उन्हें काउंट कीजिए ठीक है ना। और 2 बच्चों का ठीक है ये, ठीक है सिर्फ 2 बच्चों का, क्यों भाई? परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे जरा मुझे भी बताना। 1 को काउंट किया था? ओह सॉरी, 1 को काउंट नहीं किया होगा ना, 9 तो काउंट कर दिए, 1 को काउंट किया था, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है।
नहीं किया। वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेड था। चलिए देखते हैं, पता था मुझे। इट इज आई एम अलोन एंड तन्वी। तो देखते हैं कुछ चेंजेस। और उप्स, मैंने तो उज्ज्वल और अमन को बोला था, लेकिन टॉप किया है थनवी ने। वाओ नाइस, कंग्रेचुलेशन तन्वी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, नाइस। यू वेलकम धनवी। अब जरा एक क्वेश्चन देखो जो आप लोगों ने गलत किया। दो तीन क्वेश्चन गलत किए है ना। लेट मी सी, एम्प्टी स्लाइड ले लूं मैं पहले। इधर देखो बेटा, मैंने बोला 2 से 101 तक, तो टोटल कितने हो गए? 100 स्क्वायर काउंट करते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। 25 के बाद थर्ड पोजीशन, ओके अमन, फिफ्थ अनुकी, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। 25, उसके बाद 36, 49, 64, 81 एंड 10 का 100। तो ये टोटल आपके पास कितने हैं? ये मैंने 1 से लेके 10 तक के ले दिए, ये हमारे पास 10 है। तो 10 बाय 100 कितना आया? 1 बाय 10। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो 2 से 101 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर आए। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। आप सबने मुझे पता है क्या गलती की? आपने इस वन को छोड़ दिया। बेटा इस वन को नहीं छोड़ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कैसे भूल जाते हो? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पी ऑफ ई, ना होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पी ऑफ ई नॉट, और दोनों का सम क्या होता है? 1। दोनों का सम आपके पास क्या होता है? 1। अगर मुझे निकालना होता है पी ऑफ ई नॉट, वो होता है 1 माइनस पी ऑफ ई। ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, जब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब इट कांट बी नेगेटिव। इट कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैंने लिखा था 2 बाय 3, यानी कि 0.6666 लाइक दिस, वहां पर लिखा था 15%, बेटा ये 1 से ज्यादा नहीं है, ये 15 बाय 100 यानी कि 0.15, ठीक है। एक थी नेगेटिव माइनस 1.5, नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी से वाई और एन करके रिप्लाई करो। अच्छा अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। हाँ इवनिंग में मिलते हैं, मैं वही बोल रही थी। 10% ऑफ आपको अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। और कल आपको कॉम्पैक्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। इस कोड को यूज कर लीजिएगा। 5 से 6 मेंटी की क्लास है आज, ठीक है ना। 5 to 6 आपकी मेंटी की क्लास होगी, ओके। 5 to 6 मेंटी की क्लास होगी, जिसमें हम बहुत सारे क्या करने वाले? क्वेश्चंस, ओके क्लियर। ये सबको ज्वाइन करनी है, ठीक है। एंड डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ, ठीक है। गेट इट ऑन गूगल प्ले ऐप स्टोर, राइट। ट्राई ऑल ऑफ दीज फीचर्स फॉर फ्री एंड यूज माय कोड। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं 5 बजे प्रेजेंट मैम, ओके। नहीं 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 पहचाना अलोन बोल, नहीं पहचाना बच्चे। हाँ प्रोबेबिलिटी की, आज प्रोबेबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर फिनिश करना है, इस हिसाब से कि एग्जाम में आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसमें मैं थोड़े से क्वेश्चन जो है वो रियल के डाल रही हूँ, बिकॉज जो रियल की आपकी मेंटी होनी थी आपको याद हो, उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था, तो कुछ क्वेश्चन मैं रियल के डाल दूंगी, रियल के, ठीक है। रियल वाले चैप्टर के, रियल नंबर का चैप्टर था ना, उसके कुछ क्वेश्चन डाल दूंगी, ठीक है। थैंक्स अनु, चलिए ठीक है, फिर 5 बजे मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स।
टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो आपने नाम बदल लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप तो क्लास फिनिश हो गई है। ठीक है, चलिए, लेट्स क्रैक इट स्टूडेंट्स, मीट एट 5 PM, बाय बाय। चलिए, आप कितने बजे मिलेंगे? हम 5 बजे, और सबको आना है, मेंटी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। ओके, हाँ, रियल के बाद क्लास ही नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अब होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी आज मैंने आपकी फिनिश करवाई है, और मेंटी भी इसका होगा और बाकी क्लासेस में भी रहेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून युवराज, बाय अरविंद, बाय बच्चे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।